हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में अपना खुद का फोटो कैसे लगा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हुए हैं जो कि यहाँ पे जैसे अपना फोटो सेट करने के लिए जो एप्लीकेशन बता रहे हैं वो डाउनलोड कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको पैसा मांगा जा रहा है और यहाँ पे पैड सर्विस बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन लेकर आए हुए हैं जिसको यूज करके आप बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में अपना फोटो सेट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखा हुआ है छोटा आइकन में, यहाँ पे इसका भी कलर चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरी लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री में आप इसको यूज कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा और आप अपना नोटिफिकेशन बार को बिल्कुल कलरफुल भी बना सकते हो। तो चलिए गाइस, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहाँ से एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में नाइस वीडियो नाइस ट्रिक लेकर के जरूर कमेंट कीजिएगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है। यहाँ पे वीडियो के टाइटल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन खुलेगा, तो वहाँ पे ऐप लिंक मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद गाइस, सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए मैं आपके सामने यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जो भी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, सेटिंग बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन हो जाने देते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन लोडिंग लेती है और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो सिंपली आपको स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे टिक करना है, तो यहाँ पे मेरा टिक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अलाउ परमिशन लिखा जा रहा है, तो आप यहाँ पे टिक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके दूसरे सेटिंग में ले जाया जाएगा और इसको आपको यहाँ पे ऑन करना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ऑन कर लोगे तो यहाँ पे इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पे तीसरे वाले पे आना है, यहाँ पे भी टिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे अलाउ कर लेना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे गो टू कस्टमाइज का ऑप्शन आता है जो कि नोटिफिकेशन बार यहाँ पे जो छोटा छोटा आइकन वाला है इसको कलर में कर सकते हो। तो यहाँ पे चलिए मैं कलर क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे गो टू कस्टमाइज पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेट थीम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से मैं ब्लू पे क्लिक करता हूँ और सेट थीम पे क्लिक करता हूँ तो इसका कलर चेंज हो गया, यहाँ पे ग्रीन पे जाया गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको पसंद आता है। तो इसका यहाँ पे कलर हमने चेंज किया। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद गाइस, यहाँ पे गो टू कस्टमाइज पे क्लिक करना है नोटिफिकेशन बार पे और यहाँ पे इसको ऑन करके रखना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन थीम पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे वॉलपेपर का। तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर बहुत सारा अच्छे अच्छे मिल जाएगा, आप इसको भी सेट कर सकते हो। नहीं तो आप गैलरी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चूज द इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है, आपका गैलरी यहाँ से आ जाएगा। तो आपको गैलरी पे यहाँ पे क्लिक करके उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फाइनल गाइस, यहाँ से हमने फोटो को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप चाहे तो जितनी मर्जी उतना क्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्रॉप पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरा फोटो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा टिक का, यहाँ पे ग्रीन का, तो यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे वहाँ से बैक आ जाओगे तो यहाँ पे आपको एक आइकन दिखेगा यहाँ पे लाइन का, तो यहाँ पे जैसे ही लाइन पे क्लिक करोगे तो आपका नोटिफिकेशन आप बार यहाँ पे नीचे आ जाएगा और कुछ इस प्रकार से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका नोटिफिकेशन ऊपर चला जाएगा जो कि यहाँ पे आईफोन जैसा कुछ अलग ही इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा यहाँ पे फीचर्स मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका नोटिफिकेशन बार नीचे आएगा। यहाँ पे डाटा ब्लूटूथ सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे सारी सेटिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो भी आइकन है यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको देखने को मिलेगा। इसका भी कलर आप मैनेज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हो सिंपली उस वीडियो के टाइटल पे क्लिक करोगे, बड़े आसानी के साथ अपना नोटिफिकेशन बार में जो भी फोटो चाहते हो सेट कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे नोच को भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर्स है इस एप्लीकेशन में, आप चाहे तो यूज कर सकते हो और फोटो भी अपना नोटिफिकेशन बार में लगा सकते हो। यहाँ पे जो भी सर्विस है बिल्कुल फ्री में है, बहुत सारे लोग बताए हुए हैं वहाँ पे पेड सर्विस देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे जो भी वीडियो में बताया हूँ बिल्कुल फ्री का ये एप्लीकेशन है, तो आप जरूर यूज कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।